एटा में पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ के बाद आतंक का पर्याय बने 25,000 रुपए के इनामी शातिर लुटेरे अजीम उर्फ नजीब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अजीम के कब्जे से एक तमंचा व फैर कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह शातिर लुटेरा है। यह शातिर लुटेरा लूट कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस को इस शातिर लुटेरे की बहुत दिन से तलाश थी, लेकिन यह लुटेरा पुलिस से आंख मिचोली का खेल खेल रहा था। फिलहाल पुलिस इस शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर जेल भेज गया है। बताया जा रहा है कि थाना मलावन पुलिस को मिली एक सूचना के बाद पुलिस और स्वाट टीम ने अमापुरस की रोड पर पुलिया के समीप मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधी अजीम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 25,000 का इनामी बदमाश अजीम जनपद कासगंज के पटियाली थाना क्षेत्र के भरगैन गांव का रहने वाला है और हत्या और लूट के कई मामलों में वांछित चल रहा था। शातिर अपराधी अजीम ने पिछले दिनों ही एटा के मलावन थाना क्षेत्र में लूट की बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया था। तभी से पुलिस इसकी तलाश जुटी थी, लेकिन यह शातिर लुटेरा पुलिस पहुंच से दूर था। फिलहाल पुलिस इस शातिर लुटेरे को गिरफ्तार कर जेल भेज गया है। 25,000 का इनामिया पकड़ा गया है, कहाँ का है, क्या है पूरा इतिहास? देखिए, जो घटना है, थाना मलावन ने इसका रावण किया स्वाट टीम के साथ में, थोड़ा नाम भी बुरा। इसमें जो अपराधी पकड़ा गया है उसके ऊपर 3 मुकदमे भी हैं, और लूट के 420 के आर्म सेक्ट के सभी के मुकदमे, और ये वांछित हमारे यहाँ चल रहा था और इसको पुलिस ने अच्छा करते उनको रिवॉर्ड दिया गया है। क्या आपराधिक इतिहास है इसका? इसके ऊपर में 412-420 के मुकदमे लिखे हुए हैं, इसका 307 का मुकदमा है, 25 आर्म सेक्ट के मुकदमे। इसके अलावा